गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धा, इसके बारे में जिसमें इसकी अवधारणा पढ़ेंगे और व्यवहार के रूप में पढ़ेंगे। जैसा कि सहयोग के विषय में हुआ, प्रतियोगिता की संकल्पना इस विचार के साथ आगे बढ़ती है कि प्रतिस्पर्धा विश्वव्यापी तथा स्वाभाविक है। अर्थात प्रतिस्पर्धा हमें हर जगह दिखाई देती है, चाहे हम हमारे समाज की बात करें, हमारे राज्य की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो हमें हर जगह जो प्रतिस्पर्धा है वो दिखाई देती है। हम ये जान चुके हैं कि किस प्रकार समाज की व्याख्या प्रकृतिवादी व्याख्या से भिन्न है। अतः ये आवश्यक है कि एक सामाजिक तत्व के रूप में प्रतिस्पर्धा को किस तरीके से अतः ये आवश्यक है कि एक सामाजिक तत्व के रूप में प्रतिस्पर्धा को समझा जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा है वो समाज में व्याप्त होती है, और प्रत्येक समाज की बात करें हम तो प्रत्येक समाज में व्याप्त होती है, प्रत्येक समाज में हमें दिखाई देती है। प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक होती है और विश्वव्यापी होती है। एक निश्चित ऐतिहासिक समय में ये प्रभावी रही है। समकालीन समाज में ये सर्व प्रमुख विचार है तथा अधिकतर ये समझना मुश्किल होता है कि कहीं ऐसा समाज हो सकता है जहाँ प्रतिस्पर्धा एक मार्गदर्शक ताकत न हो। और अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो एक तरीके से समाज में कंपटीशन नहीं होगा, एक तरीके से देश में कंपटीशन नहीं होगा, तो विश्व में भी जो विकास का स्तर है वो थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, ये दंतकथा एक स्कूल अध्यापक जो अपने अनुभवों को अपने बच्चों के साथ अफ्रीका के एक पिछड़े स्थान से बता रहा है, हमारा ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित करता है जहाँ प्रतिस्पर्धा को स्वयं समाजशास्त्रीय रूप में न कि स्वाभाविक वृत्ति के रूप में समझना था। अतः ये दंतकथा अध्यापक की एक मान्यता पर आधारित है कि बच्चे दौड़ने की प्रतिस्पर्धा से के विचार से प्रसन्न होंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको। लेकिन क्या होता है कि जहाँ एक विजेता बन जाता है और उसको चॉकलेट का इनाम दिया जाता है, तो जो बाकी के जिनको पुरस्कार नहीं मिला वो दुखी हो जाते हैं। आश्चर्य उनके इस सुझाव से उन बच्चों में किस प्रकार उत्साह का संचरण नहीं किया बल्कि दूसरी तरफ दुश्चिंता और दुख को बढ़ा दिया। वैसे तो उनका प्लान तो ये था कि पुरस्कार के माध्यम से इनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा की जगह उनमें दुश्चिंता व्याप्त हो गई। कैसे हुई? क्योंकि एक को पुरस्कार मिला, बाकी को नहीं मिला। जांच पड़ताल करने पर आगे बताया कि उनकी ऐसे खेलों में अरुचि है जहां विजेता तथा पराजित होंगे। ये उनके आनंद करने के विचार के विरुद्ध है। उनके लिए आनंद का विचार आवश्यक तौर पर सहयोग तथा सामूहिक अनुभव है, न कि प्रतिस्पर्धा। जहां पुरस्कार कुछ लोगों को वंचित करता है तथा अथवा कुछ को पुरस्कृत करता है, अर्थात जो प्रतिस्पर्धा होती है, अगर उस प्रतिस्पर्धा में हम पुरस्कार का उपयोग करते हैं तो ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार कुछ में तो क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग लाता है और कुछ में नेगेटिव थिंकिंग लाता है। लेकिन हम अधिकतर कहें तो एक तरीके से हम कहें तो जो नेगेटिव थिंकिंग है उसका संचार ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तरीके से हम कहें तो पुरस्कार तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा, जबकि बाकी के जो जितने भी प्रतिभागी है वो उससे वंचित रह जाएंगे। तो जो वंचित रह जाएंगे उनमें क्या है, एक ऐसी विचारधारा का जन्म हो जाएगा जो विजेता और पराजित में अलग अलग बांट देते हैं या अलग अलग विभाजित कर देते हैं। समकालीन विश्व में प्रतिस्पर्धा एक प्रमुख मानदंड था तथा परिपाटी है। शास्त्रीय समाज वैज्ञानिकों जैसे एमिल दुर्खाइम तथा कार्ल मार्क्स ने आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद तथा प्रतिस्पर्धा के विकास को एक साथ आधुनिक समाजों में देखा।
आधुनिक पूंजीवादी समाज जिस प्रकार कार्य करते हैं वहाँ दोनों का एक साथ विकास सहज है, अर्थात प्रतिस्पर्धा तो होगी, चाहे से हम किसी भी स्तर की बात करें, लेकिन एक स्वस्थ प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का नकारात्मक भाव ना हो। यहाँ अत्यधिक कार्य कुशलता तथा लाभ के कमाने पर बल दिया जाता है। पूंजीवाद की मौलिक मान्यताएं हैं, यानी कि किस किस आधार पर बांटा गया है, तो व्यापार का विस्तार, श्रम विभाजन, विशेषीकरण और बढ़ती उत्पादकता, स्वधारणीय समृद्धि की ये प्रक्रियाएं पूंजीवाद के केंद्रीय विचार से बढ़ावा प्राप्त करती है। बाजार क्षेत्र में विद्यमान मुक्त प्रतिस्पर्धा में तार्किक व्यक्ति अपने लाभों को अधिक बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। प्रतिस्पर्धा की विचारधारा पूंजीवाद की सशक्त विचारधारा है, अर्थात जो पूंजीवादी देश हैं वो पूंजीवादी देश प्रतिस्पर्धा पर ज़्यादा टिके रहते हैं। इस विचारधारा का तर्क है कि बाजार इस प्रकार से कार्य करता है कि अधिकतम कार्य कुशलता सुनिश्चित हो सके, अर्थात जो पूंजीवादी देश है उनका मानना यह है कि जो बाजार है वो प्रतियोगिता के ऊपर या प्रतिस्पर्धा के ऊपर कार्य करता है, जिससे क्या होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक कार्य कुशल फर्म बची रहे। प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करती है कि अधिकतम अंक पाने वाला छात्र अथवा बेहतरीन छात्र को प्रसिद्ध कॉलेजों में दाखिला मिल सके और बेहतरीन रोजगार प्राप्त हो सके। इन सभी स्थितियों में बेहतरीन होना सबसे बड़ा भौतिक पुरस्कार सुनिश्चित करता है। ऐसे विचार की मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है को अन्य प्रकृतिवादी व्याख्याओं की भांति आलोचनात्मक दृष्टि से समझा जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद के जन्म के साथ ही प्रबल इच्छा के रूप में फली फूली। अगले पृष्ठ पर बॉक्स में दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा परिचर्चा कीजिए। J.S. मिल जैसे उदारवादियों ने यह महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा के प्रभाव अधिकतर नुकसानदायक होते हैं, अर्थात J.S. मिल ने यह बताया भाई जो प्रतिस्पर्धा होती है उससे नुकसानदायक स्थितियां सामने आती है। यद्यपि उन्होंने महसूस किया कि आधुनिक प्रतिस्पर्धा का विवेचन प्रत्येक की लड़ाई प्रत्येक के खिलाफ, लेकिन साथ ही ये सबके लिए लड़ाई है। यह अर्थ में कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा निम्नतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, अर्थात आर्थिक प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि कम से कम पैसा लगे और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। इससे भी आगे व्यक्तिवाद का समाज में तीव्र विस्तार एवं विभिन्न प्रकार के हित जो पूरे समाज के सदस्यों को एक साथ जोड़े रहते हैं, ये विचार तभी जीवित रहता है जब व्यक्ति पर प्रतिस्पर्धा संघर्ष की आवश्यकताओं को तोड़ दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा तथा पूंजीवाद के तहत 19वीं शताब्दी की संपूर्ण मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में आवश्यक हो सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अत्यंत तीव्र गति से विकास को वहाँ प्रतिस्पर्धा की अधिकतम उपस्थिति के गुण के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात जो अमेरिका है वो अमेरिका अधिक से अधिक विकास कर रहा है, उसका कारण क्या है, वो प्रतिस्पर्धा ही है। परंतु फिर भी हम प्रतिस्पर्धा के दायरे या प्रतियोगिता भावना की तीव्रता को विभिन्न समाजों में आर्थिक विकास की दर के साथ सकारात्मक सहसंबंध का रूप देने में कठिनाई महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये माने जाने के कारण कि प्रतिस्पर्धा के कुछ बुरे प्रभाव भी हैं,
अर्थात सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, अर्थात दोनों प्रकार के प्रभाव शामिल होते हैं। यह विचारधारा मानकर चलती है कि व्यक्ति बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिस्थिति, शिक्षा, रोजगार अथवा प्रतिस्पर्धा हेतु समान संसाधन रहते हैं। परंतु जैसा कि स्तरीकरण अथवा असमानता पर की गई पूर्व चर्चा दिखाती है, व्यक्ति को समाज में भिन्न प्रकार से अवस्थित किया गया है। यदि भारत में बच्चों की अधिकतम संख्या विद्यालय नहीं जाती है अथवा वे आज या कल पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा के लिए प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे संघर्ष और सहयोग।